यहाँ पर कोई भी नहीं है भैया। उसके बाद स्मृति बहुत अधिक 7 मेडल पाई है, गोल्ड मेडल। दीदी किसमें पाई है पता है? काफी अच्छा है भाई, भैया 5-5 मेडल पाए भाई, गोल्ड मेडल। एजुकेशन डिपार्टमेंट से दीदी ने गोल्ड मेडल लिख पाया है, काफी अच्छा लगा। थैंक यू कांग्रेचुलेशन भैया, आपको भी तुम्हारे ब्लॉग को सब सपोर्ट करें। हाँ, राइडर जी के भी सब्सक्राइब कर देना। सो हे गाइस, इस वक्त मैं हूँ यूनिवर्सिटी के कैंपस में और आज ये स्काउट गाइड का ड्रेस पहना हूँ। हम लोगों ने 2 सालों से ये काफ़ी सेवा का भाव है और रोवर्स रेंजर्स जो है स्काउट गाइड इसको कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश लेवल का है और जो कि नेशनल लेवल पे भी हम लोग जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं, कैंपिंग होती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आज आनंदीबेन पटेल जी आ रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं, और ये कार्यक्रम दीक्षा भवन में संपन्न होगा और काफ़ी पुलिस प्रशासन है, आप लोग को दिखाएंगे विश्वविद्यालय में काफ़ी लोग हैं और चलिए आप लोग को पूरा वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, काफ़ी लोग हैं जो कि वीडियो में आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा ब्लॉग को और अगर अच्छा लगे थोड़ा सा वीडियो तो प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा। और ये इस वक्त हम DDU यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट सामने, ये रहा सेंट्रल लाइब्रेरी, मैं आगे से आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, सेंट्रल लाइब्रेरी सी उड़ चुका है, तो ज़्यादा अभी भीड़ तो नहीं लगा हुआ है और बाकी ये स्टैंड और ये देखिए ऐसे ओवरव्यू इसका लाइब्रेरी का। तो चलते हैं, अभी कुछ लोग आते हैं, मैं ही सबसे पहले आ गया हूँ, अभी कोई आया नहीं है। गाइस अब हम लोग दीक्षा भवन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ रविंद्र भाई और बताइए मस्त लग रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन अभी मुझे लगता है कि 1 घंटे के दौरान हो ही जाएगा, है 10 बजे के करीब, और उसी की तैयारियों में पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन देखिए एकदम साज सज्जा से लेके रंग काफी मतलब सफाई हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, रंग पोतैया हो चुकी है, जो चीज कबाड़ पड़ा हुआ था मतलब जिसका हम लोग ये भी नहीं समझते उसकी कोई वैल्यू है, उसको भी रंग के पूरा एक एक तार को बारीकी से पेंटिंग किया गया है, उसको सजाया। आगे बढ़िए और व्लॉग आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ गेट से एंट्री करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं और बाकी अपना प्लेग्राउंड रहा रोवर रेंजर्स के टीम, क्या बात है पधारते हुए सबसे बेस्ट रोहित भैया हेलमेट झाड़ते उड़ते आ रहे हैं। यहाँ भी हैं कलाकार नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में, पूर्वांचल की अंगन में, तो वहाँ पर पढ़ लीजिए। नहीं लग रहा है क्या? रविंदर किस पार्टी से भाई? भारतीय पार्टी से, इंडियन पार्टी। जन जन एनएसयूआई से। पार्टी जी भवन टॉयलेट वाला भी बढ़िया बढ़िया निजी सोच और समझ होनी चाहिए। तो वाणिज्य भवन के जस्ट सामने से हम लोग निकल रहे हैं दीक्षा भवन की तरफ, काफी लेट हो चुका है ना भाई, अभी कब तक आएंगे? आशा है 9:20 हो चुका है, 10 बजे तक 40 मिनट 40 मिनट और हमको लग रहा है 10-15 के पहले नहीं है। अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर का क्या व्यवस्था है। और 10:53 से लेके 11:11 तक का समय मिला है मेडल पाने वाले मेडलिस्ट के लिए, जो जो किस्मत वाले होंगे वो मेडल आनंदीबेन पटेल जी के हाथों से क्या होगा मेडल पाएंगे। और हम लोग उसको देखेंगे सही में यार बहुत पाएंगा, एक दिन हम लोग भी पाएंगे और भी बढ़िया। समस्या ये है कि गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही मिलता है और पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग 267 जो भी कॉलेजेस हैं उन 267 कॉलेजेस प्लस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिला के जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है उसी को गोल्ड मेडल मिलता है, सिर्फ गोल्ड मेडल ही मिलता है, सिल्वर वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। फर्स्ट मेडल गोल्ड मेडल तो सबसे बड़ी बात ही होती है कि आप गोल्ड मेडल एक्वायर कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 3-4 दोस्त हैं उनके ग्रुप में से कोई एक गोल्ड मेडल पा जाता है, दूसरा सेकंड है, थर्ड है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है, एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र तक नहीं मिलता कि वो सेकंड आया है, तो दुख होता है। वहाँ पर NCC वाले रेडी हो रहे हैं और ये रहा दीक्षा भवन के अंदर का इतना बड़ा पोस्टर
40वां दीक्षा शामरो। कराया जाता है और इसी आधार पर मनुष्य अपने जीविकोपार्जन आदि में प्रवृत्त होते हैं तथा दीक्षा में प्राप्त की हुई शिक्षा का उपयोग करते हुए जीवन को यहाँ पर आनंदीबेन पटेल आ चुकी हैं कैंपस के अंदर। अभी दीक्षा हॉल के अंदर नहीं है। डायग्नोस्टिक मॉडल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करवाना हमारे राज्यपाल महोदय के हाथ से, ये भारत सरकार एवं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। इस परियोजना की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर तथा मणिपुर के करीब 60,000 की वंचित आबादी लाभान्वित होगी। और माननीय राज्यपाल महोदया को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है। वैदिक नियमों के अनुसार ही ये शोभा यात्रा हमें दीक्षित करने का संदेश देती है। हमारे छात्रों के मंगल की कामना के लिए यह यात्रा। कार्य परिषद के सदस्यगण, संकाय अध्यक्षगण, कुलपति जी, मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कुलाधिपति जी एवं एडीसी, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सर्वे बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। कल्याणकारी कार्य में प्रमाद मत करो। ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। देवों और पितरों को प्रति कर्तव्य का पालन करो। स्मृति स्वर्ण पदक पंडित भोलानाथ तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्गीय मनीष तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक श्रीमती भगवती देवी स्मृति स्वर्ण पदक समरीन मुशर्रफ को वर्ष 2021 की स्नातक करने के लिए गंगोत्री देवी स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्गीय सागर मंत्री बनता स्मृति स्वर्ण पदक प्रदत्त स्मृति स्वर्ण पदक अर्चना सिंह स्मृति स्वर्ण पदक प्रदत्त यार इतना देरी से काफी देर से लोग बोर कर रहे हैं। अब जाकर मतलब सुसु निकलने के लिए आ गए हम लोग। निकालते हैं उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं। भाई हाथ धुल लो हाथ। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये भाई दीक्षा भवन तो दो का ये गया। सब जुगाड़ में रह देख के कुछ कहना चाहेंगे? नहीं पानी नहीं पानी नहीं पानी नहीं आता है। उस ऐप के माध्यम से एक्सेस करेंगे
और वो अपने ही कंसल्टेंसी के रिपोर्ट्स हैं उस पर अपलोड करेंगे जो हमारे आउटरीच पार्टनर है DDU। आयुषी प्रदीप यहाँ पर राज्यपाल जी हमारी आनंदीबेन पटेल जी कुछ बोलने जा रही है, सुनिए आप लोग। प्रोफेसर डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश जी, विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा अन्य समितियों के सम्मानित सदस्यों एवं अधिकारीगण, और आज जिसको भी मेडल प्राप्त हुए थे सभी मेडलिस्ट छात्र छात्राएं और जो बच्चों को यूनिवर्सिटी की ओर से बुक्स वगैरह मिला है सभी प्यारे बच्चे देवियों और सज्जन यूनिवर्सिटियों में जाना होता है तो एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको 4, 5, 6, 7 मेडल प्राप्त होते हैं। आज मैंने पहली बार देखा कि 6-7 स्टूडेंट्स को 5 से भी ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। चिंता जरूर होती है कि यूपी की मिट्टी में ऐसा क्या है जो बेटियां आगे चल रही और मेरे छात्र पीछे चल रहे हैं। इसी वजह से हमारे अतिथि श्रीवास्तव जी इधर आए तो मैंने उनको ये कहा कि आप PhD सबको करवा, पूरा गोरखपुर नगर में जितनी स्कूल्स है ये सबको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए, लैब देखना चाहिए क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी के पास से मांग कर लेना वो हमारी ताकत नहीं है, वो तो वीकनेसेस है हमारी। उस इस क्रम में होगा EDC माननीय कुलाधिपति जी, मुख्य अतिथि महोदय, कुलपति जी, संकाय अध्यक्षगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, प्रत्यावर्तन। अब यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो गया, अब इसके आगे हम लोग जाने वाले हैं बाहर, देखते हैं अभी बाहर क्या होता है। मोबाइल फोन यहाँ पे ऑडिटोरियम में गिरा हुआ है और वो कोई ले गया है, कृपया जिसके पास भी वो मोबाइल फोन हो मंच पे ले आके दे दे कि वो हमारे माननीय अतिथि है, या किसी के पास भूल से है तो कृपया वो मंच पे ले आके दे दे। तो दीक्षा भवन से हम लोग निकल रहे हैं, हम भेज देंगे। चलिए चलिए चलिए, आप वीडियो ना रहेगा। हेलो, और सौरभ भाई कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा हमको। नींद आई? बहुत नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आई थी, एक नींद मार लिया था। तो हम लोग जा रहे हैं व्यवस्था देखने, कुछ नाश्ता पानी मिल जाए, नमक कमी नहीं है। और भाई बताना बताना किस चीज की कमी, देख चेक कर, कमी है नमक है, खाके खाने में व्यवस्था कोई दिक्कत है कि नहीं है। भाई साहब यहाँ पर 3-3 समोसा भी वहाँ पर सुमित उमित ले रहे हैं सब। तो भाई यहाँ पर सब लोगों को मिल गया, सुधीर भाई, सौरभ भाई और ये मेरा सुमित। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे भाई भाई कहाँ पानी मिला भाई? अब यहाँ पर बर्फी भी आ चुकी है और पानी भी क्लियर आ गया।
रविंदर अरे कम नहीं लियो भाई, कितना गिने? अरे बाप भाई गर्दा गर्दा कर दिए, ये रही खाने की पब्लिक। अरे सबसे अधिक मेडल पाने वाली दीदी है, वो सबसे अधिक बहुत अधिक 7 मेडल पाई है, गोल्ड मेडल। दीदी किसमें पाई है बताइए? पॉलिटिकल में, राजनीति विज्ञान में। बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। आप हमारे ब्लॉग में देख रहे हैं काफी लोग, थैंक यू थैंक यू। तो भैया और दीदी ने भी मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग कॉलेज हाँ मेरे ब्लॉग में जाएगा। थैंक यू दीदी, बहुत बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशन भैया। आपको भी तुम्हारे ब्लॉग को सब सपोर्ट करें। हाँ, राइडर उन जी के भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक यू भी चैनल का नाम को बता, राइडर अनुज जी के भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय। आज भैया गोल्ड मेडल, मतलब किसमें? आप एम कॉम में भैया गोल्ड मेडल जीते हैं आप, तो बहुत बहुत बधाई भैया, कंग्रेचुलेशन। हम लोग भी बीकॉम के ही हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, करेंगे, नाम रोशन करो डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का। काफ़ी अच्छा है भाई, भैया 5 मेडल पाए भाई, गोल्ड मेडल, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा अंदर से लग रहा है, तो थैंक यू भैया। अरे तो दीदी ने यहाँ पर किस मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से दीदी ने गोल्ड मेडल लिख पाया है, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी लोगों का हमारे ब्लॉग में आप लोग गोल्ड मेडल देखे, काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूँगा। तो गाइस यहाँ तक का आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय।